नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक की हर आंदोलन हम अपने इस दोनों चैनल के माध्यम से जनता तक के पहुँचाते हैं। आज संविधान चौक पर एक दलित संगठना की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा ये आंदोलन किस लिए हो रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर जो शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर सोशल मीडिया पर जो प्राध्यापक रतनलाल ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पर दिल्ली पुलिस ने उनको, प्राध्यापक रतनलाल जी को, अटक की है। उसके विरोध में दलित संगठनाओं में आक्रोश फैला हुआ है और आक्रोश फैलने के कारण नागपुर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये संविधान चौक पर ये जो दलित संगठना है, अंबेडकरी विचारधारा के जो मूवमेंट के लोग हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राध्यापक है रतनलाल जी, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वहाँ पे शिवलिंग पर जो टिप्पणी की है, उसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी टोटली गलत है। इस मांग को लेकर आज नागपुर के संविधान चौक पे भी ये अंबेडकरी जो मूवमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद फुलझेली जी है, हम उनसे जानेंगे जो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है दिल्ली की, उसमें शिवलिंग को लेकर जो रतनलाल जो प्राध्यापक है उन्होंने टिप्पणी की और इस टिप्पणी के आधार पे सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी, इस सोशल मीडिया पे जो टिप्पणी की उसके आधार पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। क्या लगता है आपको कि ये तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही है, ये ऐसी कोई मसला नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई जो मैं ये शिवलिंग मिला या कुछ मिला, ये कोई मसला नहीं है। वे रतनलाल जी प्रोफेसर, ये हिस्ट्री में, इतिहास में PhD है, उनको इतिहास के जानकार है। वो उन्होंने यही कहा है कि भाई तुम जब मंदिर की बात करते हो तो इस देश का धरोहर जो सांस्कृतिक धरोहर है वो तो बुद्ध विहारों का मठों का है, तो उनके प्राचीन अगर विहार और मठ है यहाँ इस देश में तो उनके उनके हाथ में सौंप दो। ये क्या बात, यानी क्या ये हो गई, ये न्याय की बात करना, ये प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या जुल्म हो गया? तुम उसके ऊपर 153 ए और 295 ए की कलम लगा रहे, धारा लगा रहे हो IPC में, ये ठीक नहीं है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है। इस आंदोलन को, न्याय की बात को कुचलना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ में है, इसीलिए हम उसका निषेध करने के लिए आए हैं। रतनलाल की गिरफ्तारी गैर कानूनन गिरफ्तारी है, उसका हम निषेध करेंगे। और हाइटेड हो गया यार, बहुत हाइटेड हो गया ब्राह्मणवाद को। पिछले 11 मई को लखनऊ में घुसकर ऐसी बात करने वाले प्रोफेसर रविकांत चंदन को भी हल्ला किया गया था। उसके पहले नागपुर में ये अपने नाटक कलावंत है अपने चारुदत्त की जिसकार, उनको भी ऐसी ये किया गया था। ये क्या है तमाशा, ये क्या ब्राह्मणवाद है क्या देश में, मनुवाद है क्या ये देश में? अगर मनुवाद आप घोषित कीजिए, ये बात नहीं खपेंगी, ये चलेंगी नहीं। फुलझेली जी, हमें ये बताइए कि अंबेडकरी जो भी मूवमेंट है उसको दबाने का प्रयास पूरे देश में चालू है? बिल्कुल, अंबेडकरी मूवमेंट ही नहीं, ये फुले साहु अंबेडकर की बहुजन मूवमेंट और अंबेडकरी मूवमेंट दबाने का पूरे जोर से प्रयास हो रहा, क्योंकि ब्राह्मणवाद की नकेल यही खोलते हैं महापुरुष। फुले भी खोलते हैं, अंबेडकर भी खोलते हैं, साहु भी खोलते हैं, उसके तो बुनियाद में बुद्ध है। तो ये जब ये लोगों को दबाने के लिए और विश्वगुरु के नाम से फिर से ब्राह्मणवाद प्रस्थापित करने का इनका ये जरिया है। इन्होंने, उनके एक व्यक्ति थे मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके मोदी के आंखों के आगे में संविधान को जलाया जाता है। बहुत बार संघ के वरिष्ठ नेताओं ने बोले कि भाई हमें संविधान मंजूर नहीं है, तो इनको डेमोक्रेसी मंजूर नहीं, इनको संविधान मंजूर नहीं, तो फिर इनको मंजूर क्या है? ब्राह्मणवाद का दूसरा नाम क्या होता है? मनुवाद। क्या मनुवाद लाना चाहते हैं क्या? और मनुवाद लाना चाहते हैं तो अभी सहन नहीं करेंगे,
उस समय हमारे पास शिक्षा नहीं थी तो हम समझ नहीं पाते थे। आज शिक्षा हमारे पास है, आज हम प्रबुद्ध हो गए, अब सहन नहीं करेंगे ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणवाद को इस देश से जड़ से उकाल कर ही फेंकेंगे। ये आखिरी का टिमटिमा है, जो मलता आदमी कुछ क्या नहीं करता वो इस बात की है। मोदी की सरकार आई इसका मतलब क्या है? यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए कि प्राध्यापक जो प्रोफेसर रतन लाल जी है वो इतिहास के एक प्रोफेसर है और उन्होंने सच्ची बात जनता तक के लाने की कोशिश की और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या ये अपराध है? नहीं, ये अपराध तो हो ही नहीं सकता ना, ये अपराध कैसा हो सकता है? सोशल मीडिया है कि समाज को जागृति करने के लिए सोशल मीडिया आया है, तो ये रतन लाल जी ने जो कहा है वो तो सच्ची बात कही है। हम चाहते कि अभी रतन लाल जी ने तो अभी ये छोटी बात कही है तो भी उनके ऊपर वो FIR दर्ज करके अटक किया गया है। हम चाहते कि इस देश में जितने भी मंदिर है, जितने हिंदू देवी देवता के मंदिर है, और अपने पास तो बहुत बड़ा उदाहरण है प्रबोधन ठाकरे का, देवड़ाचे देव मंदिराचे देवड़ा आणि देव आधे ऐसे थे ठाकरे साहब ने जो बोला है, जो किताबी लिखी उन्होंने, उन तो सच्ची बोला है कि इस देश में जो जो मंदिर की खुदाई होंगी वहाँ बुद्ध निकलेगा। नहीं, अशोक राजा जो सम्राट अशोक राजा है उन्होंने पूरे देश में शिलान्यास किया है, उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारधाराओं को पूरे देश में प्रसार प्रसार कर रहे थे, और उसी समय में ये जो बताया जा रहा है अभी, तो जो प्राध्यापक जो प्रोफेसर रतन लाल जी है उन्होंने सच्ची घटना बताए ना सोशल मीडिया, सच्ची बात बताए ना, सच्ची बात बोलना यहाँ इस देश में अभिव्यक्ति स्वातंत्र के ऊपर गदा लाने वाली बात हो रही है, ये संविधान का अपमान है। ताकि हम तो चाहते हैं कि अब बाबा साहब ने लिखा है संविधान में कि भाई धर्म तो ये अपने घर में रखना चाहिए ना, यहाँ तो बाहर तो मानवता की बात करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है दिल्ली की, वहाँ पे जो शिवलिंग का दावा हिंदू संगठनाएं द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पे जो प्रोफेसर रतन लाल जी है उन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की है कि शिवलिंग को लेकर, तो उनको प्रोफेसर रतन लाल जी को वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये उनके ऊपर एक अन्याय है ऐसी दलित संगठनाओं का कहना है, और दलित संगठनाओं में इस विषय को लेके, इस गिरफ्तारी को लेके, रतन लाल जी के गिरफ्तारी को लेके रोष फैला हुआ है, क्या बताओगे आप? देखिए साहब, वहाँ पे जो शिवलिंग के बारे में जो उन्होंने रतन लाल जी ने बोला ना, वो सही बोला है उन्होंने। उन्हें क्या कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि शिवलिंग के इसमें 5 प्रकार के लकतरे, तो ये जाँच कौन करेगा? शिक्षा लेकर करेगा जाँच, रहे कि नहीं? तो ये जांच करो। उन्हें ऐसा किसी धर्म के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं की, और उन्होंने धर्म के ऊपर, धर्म की भावना भड़क रही इसके ऊपर में उन्होंने वहाँ पे FIR दर्ज किया, ये गलत है। और उनको धमकियाँ भी मिलने की जैसा उनको अरेस्ट किया, जैसा रतन लाल जी को अरेस्ट किया, रतन लाल जी ने रिपोर्ट करने के बाद में उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि भाई रतन लाल को न्याय मिले और उनकी गिरफ्तारी है उनको छोड़ दे, और हम उनके साथ में हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रोफेसर रतन लाल जी है वो इतिहास के प्रोफेसर है, और इतिहास के प्रोफेसर रहने के कारण उन्होंने सच्ची जो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वहाँ की सच्ची घटना, वहाँ पे जो शिवलिंग है वो शिवलिंग पे सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर दिल्ली कि जो पुलिस है उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद वो उन पे यानी एक प्रकार है उनकी जो इतिहास के प्रोफेसर पे एक अन्याय किया है दिल्ली पुलिस ने, मैं इसे कहना चाहूँगा। और नागपुर में भी उसका एक आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के विरोध में किस प्रकार से घोषणाबाजी की जा रही है, प्रोफेसर रतन लाल जी को की गिरफ्तारी को, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर रतनलाल जी को उनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए, उनको दिल्ली पुलिस ने छोड़ना चाहिए, ये मांग को लेकर यहाँ पे संविधान चौक पे जो आंबेडकरी मूवमेंट के जो संगठन है उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं IBM TV9 न्यूज़, WH News, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।